तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर, चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें फंक्शन जो दिया हुआ है fx इक्वल टू 5x-3, इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x की वैल्यू 5 पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यू कैसे बना सकते हैं हम लोग। यदि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f(x), कंटिन्यू प्रूफ करने के लिए कंडीशन बताता हूँ। यदि आपका इक्वल आ जाएगा इसके कि लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू जो आपके पास वैल्यू दी होगी, हमने मान लेते हैं p, ठीक है, और लिमिट फंक्शन आपका, यदि ये आपकी कंडीशन इक्वल आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो गिवन फंक्शन है कैसे होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो क्या सबसे पहले फंक्शन क्या है हमारे पास f(x), हमें f(x) यहाँ पर दिया हुआ है कि 5x-3, ठीक है, हमें चेक करना है x इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 और 5 पर। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग एट x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि f(0), x की जगह 0 डालेंगे, वैल्यू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर कि 5 × 0 - 3, यानी कितना मिलेगा -3। अब लिमिट वाले फंक्शन में डालते इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यानी क्या होगा हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की जगह रखते हैं क्या, हमारे पास 5x-3 है, यानी x की जगह रखेंगे 0 - 3, यानी कितना आएगा -3। तो देखो, दोनों -3 - 3 इक्वल आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपका f(x) इक्वल आता है किसके, लिमिट x टेंड्स टू जो आपको वैल्यू दी हुई थी 0 f(x) के। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है गिवन फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक करते हैं किस पर कि एट x इज इक्वल टू -3 पर। अब देखो, -3 पर डालेंगे तो f(-3) क्या होगा आपके पास कि 5 × -3 - 3, यानी कि -15 - 3, यानी कि -18। ठीक है, हम लिमिट डालते हैं लिमिट वाले फंक्शन में, लिमिट x टेंड टू क्या होगा हमारे पास -3, फंक्शन हमारे पास कि 5x, x की जगह रखेंगे -3 और -3। सोल्व करो क्या आएगा हमारे पास, 5 × 3 = 15, यानी कि -15 - 3, यानी कितना होगा -18 होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या हमारे पास कि एट x इज इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे हम लोग। तो देखो f(5) क्या होगा हमारे पास कि 5 × 5 - 3, यानी कि 25 - 3 कितना आएगा 22 आएगा। ऐसे लिमिट वाले फंक्शन में चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन क्या हमारे पास कि 5x-3 है, यहाँ पर चेक करेंगे क्या आएगा हमारे पास कि 5 × 5 - 3। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास 25 - 3, यानी कि 22। तो आप देख सकते हो तीनों के तीनों पॉइंट पर, यानी कि x की वैल्यू 0, -3 और 5 पर, तीनों के तीनों फंक्शन में क्या है कि आपका जो f(x) था, आपका f(x) इक्वल आ रहा है किस चीज़ के, लिमिट x टेंड्स टू जो फंक्शन यानी p मान लेते हैं, इसके इक्वल दिया f(x) के। और यही कंडीशन होती है आपके क्या, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, और ये कंडीशन को तीनों वैल्यू फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है कैसा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 3 पर, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो को फंक्शन क्या आपके पास कि f(x) आपको दिया हुआ है 2x² - 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि f(x) हमारा इक्वल आना चाहिए किसके, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है 3 है, तो p लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या होगा f(x) के। ये कंडीशन होती है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले f(x) यानी x की जगह रखते हैं हम लोग क्या 3, तो निकालते क्या आएगा कि 2 × 3² - 1, यानी कि 18 - 1, यानी 17 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब लिमिट में रखते हैं इसको, तो क्या रखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x² - 1, इसमें वैल्यू डालेंगे क्या आएगा हमारे पास कि 2 × x की जगह 3² - 1, यानी कि 18 - 1, यानी कि 17। तो देखो यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है, इसका मतलब कि आपके पास कि जो आपका फंक्शन था f(x) इक्वल है किस चीज़ के, लिमिट यानी कि आप 3 लिख सकते चाहो आप कि f(3) इक्वल है किसके, x टेंड्स टू 3 लिमिट f(x) इस फंक्शन की आपकी इक्वल आती है, यानी कि आपका जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा होगा आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है
अब हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए चेक करना है कि है या नहीं है। आप यहाँ पे आप ये देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर कि आपको कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं दी हुई है जिस पर आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के चार पार्ट हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस में फाइव, ठीक है। अब देखो चूंकि हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसको एक पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम मानेंगे क्या कि जो ये फंक्शन होगा डिफाइन होगा हर पॉइंट पर, यानी क्या लिखेंगे कि एफ इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। हम मानेंगे कि हमारा जो फंक्शन है हर रियल नंबर पर डिफाइन है, ठीक है। और नंबर क्या मान ले, उसको नंबर को मान लेते हैं पी कि उस नंबर पर डिफाइन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अब देखो पी पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी, पी पर आप इसकी वैल्यू देख के चलते आपके पास वैल्यू बनेगी क्या कि पी माइनस फाइव वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं इसकी लिमिट, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पी और क्या फंक्शन क्या आएगा हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पी, फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर कि एक्स माइनस फाइव, पी की वैल्यू डालेंगे क्या आएगा हमारे पास पी माइनस फाइव आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी पी माइनस फाइव था और ये भी पी माइनस फाइव है, यानी कि आपके पास जो आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कि जो लिमिट एक्स टेंड्स टू पी एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल आ रहा है किसके, एफ ऑफ एक्स के, यानी कि आपकी जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करता फंक्शन कैसा होगा आपका, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी फर्स्ट पार्ट आपका कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। इसका जो बी पार्ट है आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव और यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू आपको फाइव दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर के लिए, यानी क्या कि फोर एनी रियल नंबर f इज डिफाइंड, हर रियल नंबर के लिए f डिफाइन होगा, उस रियल नंबर को क्या मानते हैं हम लोग p मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर p आपका 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब नंबर को p मानेंगे तो हमारे पास f ऑफ p यानी कि फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में p माइनस फाइव बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कि लिमिट x टेंड्स टू p फंक्शन क्या आपके पास, 1 अपॉन में x माइनस फाइव, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं x की जगह p, यानी क्या आएगा 1 अपॉन में p माइनस फाइव आएगा, यानी क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं यहाँ से, यानी क्या कि f ऑफ x आपका इक्वल आ रहा है किस चीज़ के, लिमिट x टेंड्स टू p f ऑफ x के, यानी यहाँ पे आप p रख सकते हो तो क्या होगा आप, यानी कंटिन्यूस फंक्शन ये वाला भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस फाइव, ठीक है। सी पार्ट आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और जहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो फंक्शन को करते हैं हम लोग सोल्व, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट यहीं पर भी और आगे भी इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इस पर कुछ, यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। अब यदि ये क्वेश्चन के लिए डिफाइन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं हम लोग, नंबर होगा हमारे पास, हमने मान लिया नंबर के, हम किसी नंबर के मान लेते हैं, तो एक्स के के पुट करोगे एफ ऑफ के आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कि के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में के प्लस में 5। आप चेंज करोगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी क्या होगा कि के माइनस 5 और के प्लस में 5 अपॉन में के प्लस 5, ठीक है। के प्लस 5 से आपका ये कैंसिल, आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, आपके पास बचेगा यहाँ पर के माइनस 5, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसको लिमिट पे, यानी क्या कि लिमिट x टेंड्स टू k फंक्शन क्या आपके पास यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस में 5, यानी क्या सॉल्व कर सकते हो इसको आप चाहो तो,
यदि आप एक्स की जगह वैल्यू डालोगे के यानी के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में के प्लस 5, इसको सोल्व करो क्या आएगा कि के माइनस 5 और के प्लस 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 5, ये वैल्यू कैंसिल, क्या आएगा आपके पास के माइनस 5। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी सेम है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो गिवन फंक्शन है कैसा होगा, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। यानी क्या लिखोगे आप लोग कि लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल आता है किसके, एफ ऑफ के। यानी आपके पास क्या हो जाएगा फंक्शन, ये वाला भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं अपना डी पार्ट। तो क्वेश्चन का देखो डी पार्ट आपको दिया हुआ है एक्स माइनस फाइव का मोड दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का मोड, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस फाइव का मोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्स माइनस फाइव को यदि हम लोग इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स की वैल्यू फाइव आती है, एक्स की वैल्यू फाइव आती है। यानी कि ये फंक्शन आपका जीरो कहाँ बना, एक्स की वैल्यू फाइव पर आपका फंक्शन बना जीरो। यानी ये आपका एक ब्रेक पॉइंट होगा। कैसे, यानी फंक्शन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि एक बार नेगेटिव होगा, देखो एक्स माइनस फाइव आपका नेगेटिव होगा एक बार, यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव होगा, और एक बार होगा प्लस का एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन कहाँ पर होगा देखो, और ये वाला फंक्शन ये देखना है। अब ये देखो कि एक्स की वैल्यू पाँच पर आपका फंक्शन बनता है जीरो। यानी कि यदि आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रखोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास जीरो भी सेम बनेगा, और क्या जो वैल्यू होगी इससे बड़ी वो भी पॉजिटिव यहीं पर आएगी इस वाले इस नंबर पे, यदि आप एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव रखते हो। और यदि आप जैसे एक्स को लेस देन फाइव लेके जाते हो सारी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अब तीन चीज़ें बनी है कि एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स लेस देन फाइव और एक्स ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। तीन चीज़ें बनी आपके पास यहाँ पर। अब हम मानते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर एक, चलो मान लेते हैं क्या कि जो फंक्शन है हम मान लें कि डिफाइन हो गया, यानी क्या कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर। अब यदि ये डिफाइन होगा तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं कोई भी अपना P मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट P बी ए पॉइंट, लिख लिया। तो अब देखो अब आपके पास यहाँ पर तीन चीज़ें मैंने बताया, क्या होगा देखो P लेस देन फाइव होगा यहाँ पर, एक P इक्वल टू फाइव होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या आपके पास यहाँ पर P ग्रेटर देन फाइव भी है, ठीक है। तीनों भी चेक करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम चेक करते हैं किस पर, P लेस देन फाइव पर अपने फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो लेस देन फाइव के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, ये वाला, यानी कि माइनस एक्स माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव। यानी क्या लिख सकते हैं इसको कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है कि माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग चाहें तो, ब्रैकेट खोल दो तो फाइव माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें डालो वैल्यू, यानी क्या आएगा कि एफ ऑफ पी आपके पास क्या आता है यहाँ पर, फाइव माइनस पी आता है, ठीक है। लिमिट डालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पी एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, मैं यहाँ से आपके फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पर, फाइव माइनस एक्स है। यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पी फाइव माइनस एक्स, यानी क्या मिलता है ऐसे आपको लिमिट डालोगे तो फाइव माइनस पी ही मिलता है। यानी कि क्या होगा, ये फंक्शन दोनों चीज़ इक्वल आती है। यानी कि अब आप देख के चलो तो क्या होगा कि जो देर फॉर जो फंक्शन होगा, यानी कि एफ इज कॉन्टीन्यूस एट पी लेस देन फाइव। यानी आप देख के चलो तो दोनों चीज़ें इक्वल है, यानी कि पी यदि लेस देन फाइव होगा तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो कैसे होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पी इज इक्वल टू फाइव पर। दूसरा केस हमारे पास आता है यहाँ पर क्या कि p इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब p इज इक्वल टू फाइव के लिए देखो हमारे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन क्या था हमारे पास, x माइनस फाइव, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था कि x माइनस फाइव। अब यानी कि f ओ p देखें यहाँ से तो f ओ p क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ से p माइनस फाइव निकलेगा, ठीक है। और लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू p x माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, लिमिट तो कैंसिल नहीं डालेंगे, वैल्यू क्या आएगा p माइनस फाइव आएगा। यानी यहाँ पर भी हमारे पास जो दोनों वैल्यू सेम आती है, यानी क्या होगा कि f इज कॉन्टीन्यूस एट, यानी p इज इक्वल टू फाइव पर आप देखो तो भी आपका कैसा होता है फंक्शन, कैसा होता है कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास आता है, तीसरा केस हमारे पास क्या है यहाँ पर कि p जब आपका पाँच से बड़ा हो,
यानी जब p ग्रेटर देन 5 है तो भी फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पर x माइनस 5 है, ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले f ऑफ p चेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर p माइनस 5 आएगा, और यहाँ पर आप लिमिट में डालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू p, यदि आप x माइनस 5 में इस वैल्यू डाल दो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर भी p माइनस 5 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ही आपको p माइनस 5 मिलता है, ये भी p माइनस 5 है, यानी कि p ग्रेटर देन 5 पर भी देखो तो भी आपके पास फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। यानी क्या कि f इज कॉन्टीन्यूअस एट p ग्रेटर देन 5। यानी इसका मतलब क्या, आपने देखा कि फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तीनों केस में आपका जो क्वेश्चन है कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा कि जो गिवन है क्वेश्चन आपका कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा।